डिप्रेशन में जो आदमी है वो लगभग सारा दिन रहता है, और कभी कभी वो तेज हो जाता है, कभी वो कम हो जाता है, लेकिन जब वो पीक आता है तो उस टाइम वो डिफरेंट एक्शन कर सकता है, जैसे थॉट, सुसाइडल थॉट, और अपने आप को हार्म पहुंचाना, किसी और को हार्म पहुंचाना, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी कैन बी पॉसिबल। और आज मैं आपको पांच उसमें ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा, अगर आपने वो कंट्रोल कर दिए तो इसका पीक लगभग आप 50% से रिड्यूस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जीडी भार्गव है और मैं प्रेजेंट करता हूं आवर ब्रेन आवर लाइफ को। आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन को लेके। ऑलरेडी मैंने डिप्रेशन पे वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। पर डिप्रेशन में एक पीक आता है, साइन वेव जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता है। तो किस किस टाइम बढ़ता है, अगर उस टाइम हम रोक दें उसे तो जो मिस हैपनिंग है वो कम हो जाएंगे, लाइक जो सुसाइडल अटेम्प्ट है ये सब कम हो जाएंगे। तो इस वीडियो का थीम उसी लिए है कि वो किस टाइम बढ़ता है। वैसे तो डिप्रेशन में जो आदमी है वो लगभग सारा दिन रहता है, और कभी कभी वो तेज हो जाता है, कभी वो कम हो जाता है, लेकिन जब वो पीक आता है तो उस टाइम वो डिफरेंट एक्शन कर सकता है, जैसे थॉट, सुसाइडल थॉट, और अपने आप को हार्म पहुंचाना, किसी और को हार्म पहुंचाना, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी कैन बी पॉसिबल। और आज मैं आपको पांच उसमें ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा, अगर आपने वो कंट्रोल कर दिए तो इसका पीक लगभग आप 50% से रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम ये जर्नी शुरू करते हैं, और इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हम आपसे जुड़े रहें। चलिए हम शुरू करते हैं कि डिप्रेशन कब बढ़ता है। तो हमें समझने की जरूरत है कि कब बढ़ता है। तो पूरे दिन तो हम रहते हैं, लेकिन डिप्रेशन जो बढ़ता है, जो आज का मेन टॉपिक है उस पर ला रहा हूं, डिप्रेशन जो बढ़ता है वो रात में बढ़ता है। अब आपका सवाल होगा रात में क्यों बढ़ता है, उसका मैं जवाब दूंगा और पांच एग्जांपल के साथ जवाब दूंगा। तो रात को यूजली डिप्रेशन बढ़ता है, और अगर आप थोड़ा सा भी गूगल करेंगे तो आप पाएंगे यूजली सेल्फ हार्मिंग की, एग्रेशन की, जो भी डिप्रेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो या तो रात को बढ़ जाएंगी शाम होने के बाद, और या वो सुबह आपको इम्पैक्ट कर देंगी, मतलब रात को इतना बढ़ जाएगा कि सुबह तक आप कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर दोगे इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम इसको जर्नी को शुरू कर रहे हैं। तो मैं पहला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं डिप्रेशन को कम करने के लिए रात को हमें क्या क्या करना चाहिए। नाइट डिप्रेशन हमें होता है जो हमारे को पीक क्रिएट करता है, तो हमें रात को क्या काम नहीं करना चाहिए जिससे हम इस पीक को 50% एटलीस्ट रोक देंगे। ठीक है, शुरू करें, गुड। अब हम शुरू कर रहे हैं, तो पहली जर्नी है हमारा, पहला है जब हम स्लीपिंग अलोन। आजकल हम दो तरह से सोते हैं, अलोन एट नाइट हो गए, तो हम दो तरह से करते हैं कि या तो हम पीजी या अलग रह रहे हैं जो यूथ हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, और या फैमिली के साथ रह रहे हैं तो भी आप अलग कमरे में रहते हो, करेक्ट। और अलग कमरे में जब आप रहते हो तो आप अकेला हो जाते हो, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, अगर फैमिली के साथ हैं, पेरेंट्स अपना टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, छोटे भाई बहन अपना काम कर रहे हैं, आप अकेले, और अगर बाहर हो तो आप अकेले हो ही। तो जिस टाइम आप अकेले हो तो जो जो माइंड में आपके ब्लैंक स्पेस है, जो जो आपकी डिजायर्स हैं, जो जो अनसेटिस्फाइड स्पेस है, वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि आप, ये एक सिंपल जगह है कि जहां आपने पानी डाला, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, आपने पानी डाला और वो पानी कहां जाएगा, जहां उसको ढलान मिलेगी या जहां वो पानी पहले से कम होगा तो ही जगह जाएगा। तो ये आपको जगह मिल जाती है आपके माइंड को उधर जाने के लिए, क्योंकि वो स्पेस ब्लैंक है और इसी वजह से वो उसमें चला जाता है, और उसमें जाते ही क्या करेगा, आपके वो खालीपन को बढ़ा देगा, और उसी वजह से आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, वो साइन वेव पीक पे चली जाएगी और आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ जाओगे या डिप्रेसिव मोमेंट्स की वजह से आप सेल्फ हार्मिंग और अदर जो भी एक्टिविटी मैंने बताई है उनमें चले जाओगे। तो जो डिप्रेसिव लोग हैं उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए वो अकेले ना सोए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ओल्ड मिस्टेक टू रिमेंबर। जब हम रात को लेटते हैं तो हम सेल्फ एनालाइजिंग जरूर करते हैं, हर एक आदमी करता है कि सारे दिन में क्या किया, क्या काम छूट गया, क्या काम करना चाहिए, क्या बेटरमेंट मैं और कर सकता हूं। बीइंग ए ह्यूमन, ये हमारी टेंडेंसी है,
अब इसमें इशू कहाँ आता है, जो आदमी डिप्रेसिव है वो सोचते सोचते इतना पीछे चले जाते हैं। इसमें आपको मैं डिप्रेशन रिमूव इन 3 स्टेप जो वीडियो है वो जरूर देखें, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो सोचते सोचते इतना पीछे चले जाते हैं कि वो जो थॉट है विचारों की, ओल्ड मिस्टेक्स की, कि मैंने क्या गलतियां की हैं, वो जाग जाती और वो गलतियां इतनी ज्यादा इंपल्सिव हो जाती हैं, अगेन वो सेम व्यक्ति पे चला जाता है और आप एक्शन ले लेते हैं। एक्शन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन यू, और उन्हीं एक्शन की वजह से प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और आपको पेन ज्यादा होता है। तो क्या करना चाहिए, यूजली आप किसी के साथ सो रहे हैं, पहले वाले में बताया मैंने, इस टाइम आपको नॉर्मल करंट अफेयर्स जो आज की टॉक है उस पर बात करिए। कोशिश करिए दिन में ना सोए ताकि आपको रात को अच्छी नींद आए। मतलब मैंने एक और वीडियो डाला है, आप वो देख सकते हैं ड्रीम थेरेपी का, जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि ज्यादा सोने से हमारे को प्रॉब्लम होती है, हमें कम सोने से भी होती है, ज्यादा सोने से भी होती है। तो हमें ज्यादा नहीं सोना चाहिए, नहीं तो आपको नींद आने में देर लगेगी, अगेन आप बैक जो अपनी मिस्टेक्स हैं उनको रिमेम्बर करें। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, सीधा थर्ड पॉइंट, स्लीपिंग एनवायरनमेंट। जो स्लीपिंग एनवायरनमेंट है ना वो बड़ा खराब है, कुछ हम खुद भी खराब कर रहे हैं। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो सुबह, मम्मी मैं ना सुबह 7 बजे उठ के पढ़ूंगा या 6 बजे उठ के पढ़ूंगी, ऐसा बोलते हैं और अलार्म लगा देंगे, और जैसे ही वो 6 बजे 5 बजे 7 बजे बेटा उसका टाइम दे फिक्स, अलार्म बजा उसने उसको टक से म्यूट किया फोन को, फिर सो गए। और फिर कुछ तो इतने बढ़िया है कि वो 4-4 अलार्म लगाएंगे, कुछ तो एक ही लगाते हैं, कुछ 4-4 लगाएंगे, 7 बजे का, 7:30 का, 8 का, या 5 का, 5:30 का, 6 का, व्हाटएवर द टाइम इज देयर, और हर आधे घंटे में नींद आपकी डिस्टर्ब करेगा और आप हर बार बंद करोगे और फिर सो जाओगे। इट विल क्रिएट द पीक ऑफ द डिप्रेशन, मूड स्विंग तो 100% है, लिखवा लीजिए, और डिप्रेशन की पीक को बढ़ा देगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सिंगल अलार्म लगाना चाहिए और उसी सिंगल अलार्म पे उठ जाना चाहिए। आप पहले सोच के लगाओ कि मेरे को 5 बजे उठना है, 7 बजे उठना है। दूसरा स्लीपिंग एनवायरनमेंट, आप सो गए घर में और किसी ने लाइट जला दिया, आपकी आपकी नींद खराब हो गई। आप सो गए, पड़ोसी के यहाँ बर्थडे पार्टी है, उसके बच्चे का बर्थडे, उसने 12 बजे ढोल बजाना शुरू कर दिया, आपकी नींद खराब हो गई। और अगर ये क्रिएटिविटी जो पड़ोसी की है या आपके फ्रेंड्स की है जो आपके साथ रहते हैं, कई बार डॉर्मेट्री में रहते हैं उस में लोग, ये रेगुलर चलेगी तो आपके डिप्रेसिव स्विंग्स को बढ़ा देगी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बोथ द केसेस, अलार्म वाली सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में भी। इट विल रियली हेल्प यू टू रिड्यूस द डिप्रेशन लेवल। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, वर्किंग एनवायरमेंट। वर्किंग एनवायरमेंट क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट एक तो सबसे खतरनाक काम शुरू किया हुआ है कॉल सेंटर से, कोई टाइम नहीं, रात को जाओ सुबह आओ, आप वहां बीच में वर्किंग कर रहे हैं कॉल सेंटर में, रात को कॉफी पी रहे हैं आप, देख रहे हैं सारी दुनिया सो रही है, वैसी सोच सोच के आप डिप्रेस हो जाएंगे। सुबह सब लोग जाग रहे हैं, वो मैं वहां गया हूं, आप सो रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग तो बिल्कुल फंसे हुए हैं, कॉल सेंटर वर्किंग एनवायरनमेंट हो गया, डॉक्टर्स, हम लोग भी जो MBBS डॉक्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका भी कोई टाइम नहीं, पुलिस, ये भी डिप्रेसिव होती है। और कॉल सेंटर के अलावा बहुत सारी ऐसी नाइट शिफ्ट जॉब्स हैं जो आपको इम्पैक्ट करती हैं, तो हमें ये अवॉइड करनी चाहिए अगर हम डिप्रेसिव मोमेंट्स में हैं, नहीं तो ये मूड स्विंग और डिप्रेसिव आपको कर देंगे। तो अब आप कहेंगे सर जॉब छोड़ दें, ऐसा नहीं है, जॉब करिए, आजकल जॉब मिलती कहाँ है, लेकिन अगर आप डिप्रेसिव हैं तो आप कोशिश करिए उसके सिस्टम को ठीक करने की, उस एनवायरनमेंट को चेंज करने की मत करिए, क्योंकि जहान में जान है तो जहान है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है तो नहीं करना चाहिए, और नहीं नॉर्मल कंडीशन में आप करिए, जब तक कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपका माइंड उसको अडॉप्ट कर सकता है, करिए। तो ये सबसे बड़ा इशू है। आगे चलते हैं, सडन डेथ, ये भी जो 5th रीजन है वो मैं बताने जा रहा हूँ, इसे सडन डेथ। ये सडन डेथ, आपका कोई रिलेटिव है, कोई आपका नियर एंड डियर है, बहुत क्लोज है, और वो सडन दुनिया छोड़ गया, वो वैसे भी मोमेंट अच्छा नहीं होता, हम ह्यूमन हैं तो हमारी फीलिंग्स हैं,
लेकिन जो नियर एंड डियर चला जाता है तो उस फीलिंग्स को कई बार बहुत लंबा खींच देते हैं। एक वो कहावत है, शो मस्ट गो ऑन, हम उस लाइन से हट जाते हैं, हम बार बार वही दुनिया में घूमते हैं, वही दुनिया में घूमते हैं, और इस वजह से आपकी लाइफ और फ्यूचर सब कुछ आप स्टेक पर रखते हैं इसी वजह से। और इस वजह से सबसे बड़ा इशू यह है कि डिप्रेशन का जो स्ट्रेन है वो बढ़ जाएगा। तो डिप्रेशन कब कब बढ़ता है, आपको क्लियर हो गया? रात को डिप्रेशन ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू डे टाइम। ये कई सारी शोध है जिसको कहते हैं, रिसर्चेस हुई हैं, आप सर्च करेंगे गूगल में आपको मिलेंगी। और रात को क्यों बढ़ता है तो मैंने 5 पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। कोशिश करिए जो डिप्रेसिव हैं, जो ऑलरेडी थेरेपीज ले रहे हैं, वो ये काम ना करें, अवॉइड करें। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और कोई भी क्वेरी हो आपकी आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसको जवाब देंगे। और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।